नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक महीने पूरे हो गए हैं और अब मंत्रियों की दिखने लगी है वो कार्यशैली भी यहां पर खुलकर सामने आने लगी है। आज कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर सिंह ने खुले तौर पर यहां पर नसीहत दी अधिकारियों को, काम करें वरना उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, सिर्फ काम चाहिए काम। हम अपने वचन पत्र में भरे गए सारे वचनों को निभाएंगे। वो कर्मचारी अधिकारी सचेत हो जाएं जिन्होंने काम ना करने की आदत डाल रखी है। 15 साल बाद सब कुछ फिर वैसा होगा। हमें काम करना है, जनता से किए गए वादे निभाने हैं जिसके लिए जनता ने हमें चुना है। ये सारी बातें कैबिनेट मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कमलेश्वर सिंह ने कही। कमलेश्वर ने एक पत्रकार वार्ता में ये सारी बातें कहते हुए खुले तौर पर चेतावनी दी, अधिकारी सचेत हो जाएं, काम करें वरना उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हमारे जो भी जिस पद पे भी अधिकारी कर्मचारी विराजमान है, अपने विभाग से रिलेटेड जो भी संबंधित काम है, जो जिसके अधिकार क्षेत्र का है, पात्र लोगों को चाहे हितग्राही मूलक योजना हो और चाहे अन्य जो भी योजना है, जिसके अधिकार क्षेत्र का है वो अपने स्तर पे निपटारा करें। मुख्यमंत्री ऑनलाइन या मुख्यमंत्रियों के दौरे में या अन्य कहीं ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए और नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और जिसका हम समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है और थोड़ा थोड़ा जहाँ अभी कमी है, अभी हमने कलेक्टर साहब एसपी साहब से भी चर्चा की है, तो जो भी संगतियां हैं उसके लिए हमने स्पष्ट निर्देशित किया है कि शिकायत नहीं आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का स्पष्ट नजरिया है कि जनता की सरकार जनता के लिए है। कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर सिंह की पत्रकार वार्ता के बाद रीवा दर्शन ने बुद्धिजीवियों से एक राय ली, सभी बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान किया और उनसे जानने की कोशिश की। आज की पहली पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर सिंह ने किन मुद्दों पर प्रकाश डाला और उनके कहने का आशय क्या रहा? हम बेहतर काम करेंगे। जो भी अधिकारी कर्मचारी गलत तरीके से काम करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। पंचायत का स्तर सुधारा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कामों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर आज पहली बार रीवा पहुंचने पर कमलेश्वर पटेल ग्रामीण मंत्री ने खुलकर पत्रकारों के बीच में बातचीत की। उसी पत्रकार वार्ता को लेकर यहाँ पर हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मंत्री की पहली पत्रकार वार्ता में उनने किस तरीके का माहौल देखा, उनसे क्या उम्मीदें। सुशील जी, क्या लगता है आपको इस बार कुछ मंत्री जी की पहली पत्रकार वार्ता में क्या महसूस किया आपने, क्या लगा आपको? देखिए, आपने अगर देखा होगा मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो कांग्रेस के वचन पत्र में जो वादे किए गए थे उसी को लेकर पूरी बात कही गई, चाहे वो किसान क्रेडिट माफी योजना हो चाहे पंचायत की अन्य जो योजनाएं चल रही हैं। जब उनसे ये पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का ताला नहीं खुलता, सचिव समय पर नहीं पहुँचते, जो आम जनता है वो परेशान होती है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस तरीके की शिकायतें आती हैं। मतलब उन्होंने भी माना कि ऐसी शिकायतें हैं और इसको लेके कैबिनेट में भी चर्चा हुई है, लेकिन 26 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि ये सब सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी और अगर इसका पालन नहीं होगा तो जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होगी। वचन पत्रों का, जो भी वचन पत्र में कहा गया उसका हम पालन करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। देवेंद्र सिंह जी, क्या लगता है आपको? 15 साल बाद परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस सरकार आई है और चूँकि कांग्रेस सरकार खास तौर से यहाँ विषय है पंचायत राज अधिनियम के पालन का, यहाँ सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी राजीव गांधी सरकार ने लागू किया था पंचायत राज अधिनियम, हम फिर से पंचायत राज अधिनियम लागू करेंगे और ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता देंगे जैसा पहले था। जाहिर है यदि ऐसा करते हैं तो पंचायतें स्वतंत्र होंगी और काम में गति आनी चाहिए। पंचायतें स्वतंत्र होंगी, उन पर काम में गति आएगी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ अंदर और बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। 15 सालों बाद जिस तरह से कांग्रेस की सत्ता पे वापसी हुई उसको देखकर बाहर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बदला हुआ था। जिस तरह से भीड़ बाहर उमड़ रही थी, फिर उसी तरह से अंदर भी जो वचन पत्र के वादे किए जा रहे थे। यहाँ पर मंत्री जी ने तीन मुख्य बातों पर बात की। पहली बात जो रही कर्ज माफी की, फिर इसके बाद हर पंचायत में जो गौशाला की बात रही हो वचन पत्र में, उसको भी प्रमुखता से लिया। साथ ही यहाँ पर जो भ्रष्टाचार पंचायतों में हो रहे हैं उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने ठोस रणनीति बनाने की बात कही, और किसी न किसी तरह से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त कर एक अच्छी बेहतर सरकार और किसानों की और जो ज़रूरतमंद लोगों की है उनकी सुविधाओं की बातें की। किसानों ज़रूरतमंदों की सुविधाओं की बात की। नज़ारा इस बार बिल्कुल बदला था। बदले भी क्यों ना, 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। क्या लगता है संदीप जी, कांग्रेस अभी निश्चित सरकार में नहीं आई है और डर डर के भी काम कर रही है, और हर बार ये कहती है कि ये जनता की सरकार है, जनता की सरकार है और जनता जैसे चाहेगी वैसे हम चलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो जानवर हैं, उनके खेत खा जाते हैं और गौशाला में गायें मर रही हैं। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसान जानवरों से बच जाए और गाय की रक्षा भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या किसानों की गौशाला, गाय। क्या लगता है विनय जी आपको, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नज़दीक से देखी, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या बदलाव दिखा? बिल्कुल संदीप जी, जो आपने बताया कि गौशाला के लिए जो बात कही माननीय मंत्री जी ने, बिल्कुल उसमें स्पष्ट है कि चाहे कोई भी रुकावट नहीं आएगी, चाहे वो ज़मीन की बात होगी चाहे कुछ भी हो। गौशाला गांव स्तर में गौशाला खोलने के लिए जो बकाया शुरू वचन पत्र में था उसको निभाया जाएगा, और जो पूर्वत भाजपा सरकार ने किया था कि बड़ी बड़ी गौशाला उसको न देख के ज़मीनी स्तर पर गौशाला खोलने के लिए बात कही है जी। ज़मीनी स्तर पर गौशाला खोलने की बात कही है, तमाम तरीके की बातें आज पंचायत मंत्री ने कही। सुरेंद्र जी क्या लगता है आपको, ये बातें महज बातें रह जाएंगी कि इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी? देखिए सरकार बदल चुकी है लेकिन प्रशासन तो है अभी, और हर बार जो अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने ये कहा कि कर्मचारी और अधिकारी सुधर जाएं, अब वो सरकार नहीं है, मतलब अभी भी इनको डर है कि शायद वो काम ना हो पाए या वो भ्रष्टाचार जो पहले हुए हम उनको सही तरीके से, ये लगातार प्रशासन पर जो है दबाव बनाने की कोशिश करें। अब कितना ये आगे बढ़ पाते हैं, कर पाते हैं दबाव, ये वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। अधिकारी कर्मचारी सुधर जाएं। देवेंद्र जी आप लगातार आपकी कलम से ये बातें निकलती भी रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या वाकई अधिकारी कर्मचारी सुधर जाएंगे? ब्यूरोक्रेट्स को सुधारना मुझे लगता है इतना सरल नहीं है। ठीक है कांग्रेस वादे कर रही है, जनता की सरकार है, जनता के लिए काम करेंगे, छोटा हो या बड़ा अधिकारी हो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे यदि जनता के हित में काम नहीं करता। लेकिन अपन जब पत्रकार वार्ता दौरान ही कुछ भ्रष्टाचार के मामलों को उठाना चाहे मंत्री जी उनको काटने की बात की, इतने पर रहे कि जो भी पाया जाएगा दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन हम जांच कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। हम जांच कराएंगे ये उनने नहीं कहा, लेकिन उनने ये कहा कि हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। जब जांच नहीं तो दोषियों पर कार्रवाई कैसे? नवेद जी निश्चित तौर में जब जाँच नहीं तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों, लेकिन जो पूर्व की सरकार थी उसके जो पंचायत के समय जो भ्रष्टाचार हुए निश्चित तौर में उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वित्तीय स्थिति, सरकार की वित्तीय स्थिति को लेके भी उन्होंने प्रकाश डाला कि हमें 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज मिला है और हम किसी तरह इसको संभल बूझ के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर में बड़ा संकट है सरकार के लिए, जिस तरीके से वचन पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएँ की गई हैं, जब सरकार के पास वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो किस तरीके से उन योजनाओं को पालन कराएंगे, लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, उनके लिए कठिन। सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार ने तमाम तरीके के वादे कर रखे हैं अपने वचन पत्र में, अब देखना दिलचस्प होगा वो वादों की भरपाई किस तरीके से करते हैं। क्या लगता है सुरेंद्र जी? देखिए इसके लिए सरकार सबसे पहले तो टैक्स बढ़ाएगी, ये तय है, मार्च के बाद जब बजट पेश होगा उसमें निश्चित तौर पर जनता पर बोझ लादे जाएंगे और उसी से भरपाई होगी, क्योंकि पैसा तो कहीं से आएगा नहीं रुपया। उसके लिए सबसे बड़ा यही है कि टैक्स बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, फिर से राज्य सरकार टैक्स बढ़ाएगी, इसके अलावा अन्य जो टैक्स होंगे उस पर भी बढ़ोतरियाँ होंगी, करें तो इसी से है, उसी से खजाना भरा जाएगा, खजाना तो खाली है। खजाना
टैक्स लगा के भरा जाएगा। इसमें एक गंभीर सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल माह में लोकसभा का चुनाव है, अगर कांग्रेस सरकार टैक्स लगाती है तो फिर लोकसभा चुनाव में उसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या है विनय जी? बिल्कुल सही बात है, अभी कोई टैक्स वैक्स की बात नहीं करेंगे सरकार, जो अभी राज्य सरकार अभी कोई नहीं सरकार करेगी, अभी केवल कुछ अभी एक जो नया उसका प्रदेश सरकार का है कि खनिज नीति, खनिज नीति जो ला रही है शायद उससे भी कुछ भरपाई हो सकती है, शायद भरपाई कर ले। अब देखना है कि कब तक ये किस तरह के टैक्स और कुछ अन्य चीज़ों को लेकर ये सरकार अपने बजट को बढ़ा करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने को पैसे की भरपाई किस तरीके से करती है, क्या संदीप जी? मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार अगर फिजूल खर्चे बंद कर दे, बहुत से ऐसे एक साथ कम से कम नहीं तो 50 गाड़ियाँ दौड़ती हैं प्रशासन की, एसपी अलग गाड़ी में चलता है और आईजी अलग, डीआईजी अलग, कलेक्टर अलग, एसडीएम अलग, और पूरे गाड़ियों का काफिला चलता है, कितनी बर्बादी होती है इससे, प्रदूषण भी फैलता है और सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है, और इतने बड़े बड़े करोड़ों के टेंट लगाए जाते हैं। सामान्यतः व्यवस्था में करना चाहिए, जिससे पैसे की बचत होगी वो पैसा सरकार के कर्ज माफ़ी में काम आएगा। सरकार के कर्ज माफ़ी में पैसा काम आएगा, सरकार को बचत करनी चाहिए, बचत के उसको नए नए तरीके घोचने चाहिए, क्या पूरन जी? निश्चित तौर पर बचत करनी चाहिए, जो ऑफिस जो एसी में चल रहे हैं, आज देखिए ठंड के मौसम में हीटर चल रहे हैं, बिजली ज़्यादा लग रही है, लेकिन गांव में देखिए बिजली नहीं मिल रही, कटौतियाँ होना शुरू हो गई, तो निश्चित तौर पर अब कटौती करनी चाहिए सरकार को, लेकिन वो कटौती अब कैसे करेगी तो सरकार अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। सरकार को कटौती करनी चाहिए, सरकार को अपने बजट को पैसे का इंतजाम करने के लिए तरह तरीके के उपाय करने चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार किस तरीके से पैसे का इंतजाम करके अपने वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करती है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।